ये जो हमेशा करता है वही कर रहा है। अच्छा, मजा उसे ही मजा, लेकिन उसके अंदर अलग शेड है, अलग शेड में कुछ कर रहे हैं। I'm being a corporate guy who's filthy rich. और दूसरी बात ये कि उनके हिसाब से आम जो लोग हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, उस तरह उसे वो पेश आता है एंड बर्बादी होती है। और वो है ना, बड़े लोग और छोटे लोग की तस्वीर जो है उससे कैसे माफिया एंड अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व होता है उस किस्म का। तो फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्या कहते हैं कि जो सब्जेक्ट है ड्रग्स से डील कर रहा है, मतलब ड्रग्स का जो इशू है उसके बारे में बता रहा है, क्या कहते हैं कितना जरूरी है शोकेस करना कि कितना बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है। ये सिर्फ ड्रग्स के ऊपर नहीं है, इसके अंदर अंडरवर्ल्ड हर वे में जुड़ा हुआ है। लैंड माफिया है बेसिकली, लैंड माफिया। हाँ, इसमें नॉट मेनली ऑन ड्रग्स, लैंड माफिया पे ज्यादा है। तो ये लैंड माफिया को पकड़ के चीजें चल रही है, कैसे मतलब लोग यहाँ पर क्या क्या आशाएं लेकर के आते हैं, क्या क्या सपने लेकर के आते हैं, उनके सपने कैसे चकनाचूर हो जाते हैं और फिर वो क्या बन जाते हैं, उसके ऊपर एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी है जो कुछ सोच करके आया था और कुछ का कुछ बन गया। अंडरडॉग इज अंडरडॉग। इस फिल्म में जुड़ने का तो बहुत शुरुआत से ही था विद स्क्रिप्टिंग मनोज भाई के साथ, और उनके साथ मैंने काफ़ी काम पहले भी किया हुआ है तो बहुत कंफर्टेबल था। और मनोज भाई ने एक कमाल काम किया है, हम तीनों दोस्त 35 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन 35 साल से एक साथ कैमरे के सामने परफॉर्मेंस करना वो उन्होंने मुनासिब बनाया है ना। मतलब आज तक हम लोगों ने कभी एक साथ में काम किया नहीं है। पहली बार वो जो तीन चलते हुए आ रहे हैं ना, वो शॉट सबसे पहला शॉट हम तीनों का साथ में। इट्स लाइक फॉर अस इज अ हिस्टोरिकल मोमेंट। और क्या कहेंगे, मतलब जैसा आप बताया कि मुंबई में लोग आते हैं और बड़े सपने लेकर एक माया नगरी है, तो आमतौर पर वो लोग को रिलेट करेंगे उस चीज को अपने रियल लाइफ से। यस यस 100% कुछ बस जाते हैं कुछ फंस जाते हैं। क्या आम आदमी की कहानी है सर, सिंपल सी बात है कि आम आदमी की कहानी हमेशा पब्लिक को छुएगी। बिकॉज क्या है कि एक आम आदमी होता है ना, वो अपने आप को देखना चाहता है, कुछ करते हुए देखना चाहता है। तो ऐसे ही कुछ इसमें हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की हमारे डायरेक्टर साहब ने, कि एक आम आदमी जो है जब कुछ अलग ही बन जाता है, कुछ और बनने की जगह, तो वो अलग बनकर के कैसे मतलब नेगेटिव होकर के भी कैसे पॉजिटिव है, वो एक बात दिखाई है। और मुंबई, ये जो सही बोला है, कुछ बस जाते हैं कुछ फंस जाते हैं, मुंबई का ये पर्याय है, यानी सेकंड वर्ल्ड है। क्योंकि मुंबई ऐसी जगह पे अगर आपने एक कदम गलत उठाया तो आप फंस भी सकते हो, और एक कदम सही उठाया तो आप आबाद भी हो सकते, बस भी सकते हो। तो सर, तीनों को इतना अनुभव है इंडस्ट्री के बारे में, तो कितने लोग आते हैं इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए, क्या करना चाहेंगे, कितने बैलेंस रखना चाहिए अपने आप को, क्योंकि एक बड़ा सपना होता है, जब सपना टूट जाता है तो यू नो बहुत दिन में तकलीफ होती है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, बैलेंस वाली बात। बैलेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लोगों को बैलेंस नहीं होता, या तो कुछ अपने घर चले जाते हैं, या तो कुछ क्या बन जाते हैं, कुछ क्या बन जाते हैं और कुछ क्या बन जाते हैं। बैलेंस होता है तो कुछ बनते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं होता तो कुछ गलत ही बन जाते हैं, अलग ही हो जाते हैं, या फिर अपने घर चले जाते हैं, वही छोटा मोटा काम करना शुरू कर देते बेचारे। तो ये बैलेंस वाली बात जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ बैलेंस नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, इस माया नगरी में बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों ने बैलेंस रखा वो हमारी जगह पर बैठे हैं, इस जगह पर बैठे हैं। तो आपने जो मतलब इतना दिन तक काम की इंडस्ट्री में जो पहचान बनी है, क्या अपने मेंटेन के अपने अंदर क्या क्वालिटीज जो है, क्या कैसे डेवलप किया, उस चीज़ को उसके बताइए कि क्या जरूरी होता है, सबसे अहम चीज़ क्या होता है सर। सबसे आप भी कुछ बोलो सर। आप बोलो, फिर बोलता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे हिसाब से, जब किसी भी जगह आप जाएं काम करने के लिए, तो संयम रखना कि शांति, कि भैया आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, काम तो होगा है, और वो काम होगा का संयम रख करके आपको मेहनत करनी है। गधों सी मेहनत नहीं, दिमाग से मेहनत करनी है। बिकॉज़ यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपॉर्चुनिटी एवरी डे है। कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आप पिक करते हो उस पर डिपेंड करता है, और अपॉर्चुनिटी पिक करने के बाद में क्या आपने सही डिसीजन लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वो जगह है यहाँ पर, इसलिए वो संयम रख करके आदमी जो आगे जो सोच समझ करके करे तो आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हो सकते हैं, ये मेरा ख्याल है। मेरा मानना है कि कर्म सबसे बड़ी चीज़ इंडस्ट्री में है, वो कर्म है। कर्म को जो आज करना है वो अभी करो, जो भी करना है वो उसको सोच लो, मतलब कर्म के आगे बढ़ोगे, अपने किस्मत में मत भरोसे रहो, कर्म करते जाओ, कर्म का आपको रिवॉर्ड मिलता ही रहेगा। किस्मत रही तो आपका ग्राफ बदलेगा, लेकिन जो आपने कर्म किया है सही नियत से वो आपको पे करेगा ही। और आज हमारा मानना ये है, मेरा और मेरे दोस्त का, इवन इनका भी, कि जो कर्म किया है इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं, किस्मत पर भरोसा लेके नहीं बैठे हम।
इस प्रोफेशन में मैं मानता हूँ कि बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है. ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, ये तीनों लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है टू सर्वाइव एंड बी ऑन. उपेंद्र साहब, ये जरा नोटिस के बारे में बताएं, किसको नोटिस जा रहा है? मनोज नागवानी को नोटिस जा रहा है, ज्ञानी ईरानी को नोटिस जा रहा है, किसको नोटिस दे रहे? ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नोटिस है. पुलिस वाले अंडरवर्ल्ड को देते हैं, हर कोई एक दूसरे को कहीं ना कहीं नोटिस देते हैं व्हेन थिंग्स गो बियॉन्ड अ पॉइंट. उसी तरह मनोज जी ने हमको नोटिस दिया, हमने इस फिल्म में काम किया और फिर वापस नोटिस दिया, तो यहाँ आप सबके सामने बैठे हैं. उपेंद्र जी, वो ये डायलॉग है इसमें कि अब तो सरकार ने भी कश्मीर में बसने का परमिशन दे दिया है. अब तो सरकार ने कश्मीर में बसने की इजाजत, कश्मीरियों को हर्ट भी हो सकता है कि नहीं, इसमें हर्ट करने की बात ही नहीं है. इट इज थिंग दैट अभी जो चल रहा है, तो अभी परमिशन दिया ही हुआ है ना. अब बसे नहीं बसे वो सब, इट इज़ अ इंडिविजुअल थिंग. तो कहने का ये है कि मतलब यही था कि जो कश्मीर की बात चली, कि हर इंसान को हर जगह बसने का हक है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे दुनिया की किसी भी होने में हो, तो ये हक इंसान से छीना नहीं जा सकता. तो आज हमें कश्मीर में रहने का हक मिला है, तो और दूसरा इंसान कौन हो सकता है जो किसी भी जगह से किसी को हटाएं. और इस सीन में वैसे भी वो वही बोल रहे हैं ना कि ये शहर छोड़ के जाओ, तो जब कश्मीर में बसने का परमिशन है तो जो आदमी जहाँ काम कर रहा है वो थोड़ी छोड़ कर जाएगा, बात वो है. इसका मेन मतलब ये था कि जब कश्मीर में बसने का सरकार ने परमिशन दे दिया, तो यहाँ से निकलने वाले तुम कौन होते हो? ये तो अपनी खुद की जगह है, ये वाली बात. सरकार के सामने तो कोई भी इंसान छोटा ही है, सरकार सबसे बड़ी सिस्टम है. तो ये तीनों त्रिदेव जो है इस फिल्म में, दोस्ती वाला शेड है या मतलब दुश्मनी वाला शेड है, किस तरह? You will see different flavors in the film. It's very interesting. वैसे तो as of now तो सारे characters अलग हैं. अब किस मोड़ पर ये कहानी जाती है उस पर पूरा डिपेंड करता है. मनोज जी किस तरह से कहानी को लेकर के चलते हैं और किस तरह से कहानी को मतलब मोड़ देते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है. सर, पहले तो मैं आप सभी मीडियाओं का आभारी हूँ कि आप लोगों ने नोटिस किया, कि नोटिस के लिए आप लोग आए. एक कहानी है हालात से लेकर, और कुछ नयापन है नोटिस में. अगर पहले ऑडियंस ने जो स्क्रिप्ट देखी है उसे वो देखना नहीं चाहेंगे, तो कुछ हमने नयापन लाया है. और स्पेशली जो लोग माइग्रेट होके कहीं से भी हो, यूपी से हो, बिहार से हो, चाहे बम्बई आते हो या बम्बई के लोग, कभी फॉरेन जाते हो या फॉरेन के लोग, तो सभी जो माइग्रेटेड लोग होते हैं वो उसको जो लोकल लोगों से मिलना, मिल जाना और या फिर उनका द्वंद होना, उसको लेकर हमने कुछ बताने का प्रयास किया है. ये तीनों जो कैरेक्टर हैं, आदि जी हो गए और शिवा हो गए और ये हो गए, किस प्रकार का इनका किरदार है, कैसी क्या है? था कि 35 साल से वो लोग साथ में, वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त रहे और उन्होंने आज तक साथ में काम नहीं किया था. तो वो तीन और मेरे बाजू में बैठे फिरोज जी, ये चार है, इसीलिए हमने उनको दिखाया. तो सबकी अपनी अपनी एक मतलब, जैसे शिवा है इज अ सन ऑफ वेरी बिग शॉट फिरोज भाई, अगेन अडी इज अ वेरी गुड, ही इज प्लेइंग रियली गुड कोप, ही इज नॉट अ नेगेटिव कोप. और जीत भाई का जो है वो एक सप्रेस दबा हुआ इंसान, अगर जब इंसान को हद से ज़्यादा दबाव, कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि वो गांव के बाहुबली है, दबंगे, कभी कभी मजबूरी में कहीं किसी शहर में आके काम करते हैं, तो उनके अंदर की जो लड़ने की स्पिरिट है वो कभी मरती नहीं है, वो कुछ कमाई के लिए आते हैं. तो अगर उनको फिर वो टॉर्चर किया जाएगा तो वो फिर जवाब देगा ही, ऐसा कुछ. मनोज जी, एक डायलॉग है जीत उपेंद्र का इसमें कि अभी तो सरकार ने भी कश्मीर में बसने का ये दे दिया है, तो कहीं ना कहीं कश्मीरियों के सेंटीमेंट को हर्ट करेगा ये चीज? नहीं सर, कश्मीरियों के सेंटीमेंट को ये क्यों हर्ट करेगा? ये सरकार ने परमिशन दी है बसने की, और जो ज़रूरी था, जैसे कि हमारे पूरे इंडिया ने इसके ऊपर अपना रिस्पांस दिया है कि हम चाहते थे बरसों से 370 हटे और अभी हटी है, तो इट मीन्स कि हम लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके बस सकते हैं. तो ये अभी जो अभी हमको फिल्म में कोई भी करंट
चीज होती है उसको तो हम लोग एकोमोडेट करना चाहते हैं ताकि वो काफी लोगों का आवाज भी और खुशी भी आप जाए। और कश्मीरियों ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं कि ये आपने क्यों किया, कश्मीरियों ने भी वेलकम किया है, तो इट्स कश्मीर भी तो हमारा ही भाई है, हमारे साथ जुड़ा है, तो वो क्यों मना करेगा हमको आने से, उल्टा वो तो बोलते हैं आइए यहाँ बसिए। जब मैं काफी शूटिंग करने भी गया हूँ कश्मीर, काफी रहा भी हूँ, तो कश्मीरी भाई जब मैं मिलता था उनके साथ तो बहुत अपनापन ही लगता था। उन्होंने कभी भी एंटी इंडिया बात कश्मीरियों ने तभी की थी ना, आज कर रहे ना आगे कर, उल्टा भी तो और वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या आर्टिकल 370 के पृष्ठभूमि पर आधारित है ये फिल्म या कश्मीर को लेकर आधारित है? ना ना सर, ये आर्टिकल 370 तो उसका एक रेफरेंस दिया गया है फिल्म के अंदर कैरेक्टर ने, बाकी फिल्म एक लैंड माफिया जो आज जगह जैसा बहुत जगह देखते हो कि अभी कानून आ गया बीच में कोई एक दो बिल्डिंग गिरने के बाद के 30 साल पुरानी इमारत को ऑडिट करना पड़ेगा या उसको गिरा देना पड़ेगा, फिर बिल्डर लोग कुछ मिल के कुछ हो रही है, काफ़ी लोग बेचारे अपने घर से हाथ धो रहे, काफ़ी लोगों को निकाला जाता है, तो ऐसे जो लोग बरसों से एक जगह बसे वहाँ निकाला जाता है आइदर विद अ गिवन ऑफ BMC नोटिस और बिल्डर्स नोटिस या कुछ भी है, लेकिन वो लोग बेघर हो रहे। आप देखिए काफ़ी घाटकोपर की एक चाल का बहुत किस्सा चल रहा है दोस्त, हाँ तो अभी जो लोग वहाँ बसते, सोचिए आप या मैं हमारे परिवार के साथ बस रहे और हमें अचानक निकाल देगा तो हम लोग क्या वो वेलकम थोड़ी करेंगे उसको, खुद ना खुद तो आक्रोश आएगा, तो एक आम आदमी जब भड़क जाता है तो देन ही चेंज द सिस्टम। ओके, और फिरोज जी आप क्या कहना चाहेंगे इस नोटिस को लेके, किस प्रकार का आपका किरदार है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नोटिस को लेके? देखिए एक्साइटेड है इस फिल्म को? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि इस फिल्म के अंदर अभी नोटिस के लिए जो टाइटल इन्होंने रखा है, सबसे पहले ये बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइटल है इस स्टोरी के साथ। नोटिस एक ऐसी चीज़ है कि कभी अच्छा भी हो जाता है कभी बुरा भी हो जाता है। आप पूछेंगे नोटिस यानी बुरा कैसे होगा, अच्छा कैसे होगा, तो मैं आपको ये बताता हूँ। मेरे एक दोस्त का ऐसा किस्सा हुआ कि उसने एक आदमी से ज़मीन ली, उससे पावर ऑफ अटर्नी ली, और उसके बाद जिससे पावर ऑफ अटर्नी ली वो आदमी गुजर गया। वो उसके बेटे ने उसके ऊपर नोटिस ठोकी तो वो केस जीत गया। इसलिए नोटिस इस तरह का भी काम कर देती है इनडायरेक्टली। और इस फिल्म के अंदर मजे की बात ये है कि सारे इंसिडेंट्स अलग अलग टाइप के हैं, और मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर इनके डायरेक्शन से लेके सबके परफॉर्मेंस से लेके हर चीज नोटिस होगी पब्लिक को, और तभी ये नोटिस जो है वो करेक्ट मानी जाए। मैडम हमारे प्रोडक्शन मनीष शाह जी प्रोड्यूसर है, उनके कॉर्पोरेट ग्रुप के सीईओ है रूपा जी, और रूपा जी आप प्लीज। प्रमो जो देखा नोटिस, इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा बनाया है मनोज जी आपने, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट। और आई थिंक दैट ये बहुत आगे बढ़ेगा एंड हम इसका तो वेब सीरीज भी कर पाएंगे और इट विल रीच प्लेसेस। एंड ये नोटिस नॉट ओनली इंडिया या नॉट ओनली मुंबई, मुंबई का तो उन्होंने रेफरेंस के जैसे लिया है, जैसे मनोज जी ने बताया US में भी हम इंडियंस जाते हैं तो यही फीलिंग रहती है, यही एक आउटसाइडर की फीलिंग रहती है, और किस तरह से वो पूरी जिंदगी उसमें बिता देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मनोज जी ने लिया है अमेजिंग इट इज़, I'm really happy with the promo. Okay, madam, आप कुछ कहना चाहेंगे, add करना चाहेंगे इस notice को लेकर? या आपको आया है क्या notice? तुम loud बोल रहे हो। हाँ, मैंने भेजा था कि acting करने आई है। इसलिए तो मैं इस film का हिस्सा हूँ। मैं जीत सर की sister का role कर रही हूँ, and बहुत एक bubbly character है, and बहुत मज़ा आ रहा है पूरी क्रू सबके साथ। एंड डायरेक्टर सर तो इनके साथ ऑलरेडी मैं एक फिल्म कर चुकी हूँ बेटियों की बले बले, तो इन्होंने जब मुझे नोटिस भेजा मैं तुरंत रेडी हो गई। दिस फिल्म इज रियली रियली वेरी एक अलग ही है पूरा, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। काफी अच्छा था, लोगों के मतलब आंखें नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी वो ट्रेलर देखते हुए,
और लोग अभी मनोज जी चालीसा पढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, ये सब आप सब लोग का आशीर्वाद है और बस कोशिश करते रहते अच्छी फिल्में बनाए। ताकि एक छोटी सी बात बोलूंगा, एक 100 रुपए की हम लोग घड़ी लेते हैं तो उसकी भी वारंटी गारंटी होती है, तो मैं 200 रुपए की टिकट बेचूंगा तो कुछ एंटरटेनमेंट गारंटी तो देना पड़ेगा। तो बहुत ही ईमानदारी से कोशिश की है और हमारी जो ऑडियंस है बहुत प्यारी ऑडियंस है और बस आप लोग के माध्यम से हम लोग बहुत जल्द आ रहे और हमें अच्छा नोटिस करे ऑडियंस। नवरात्रि जो माँ का त्यौहार है जिसे शक्ति का त्यौहार कहा जाता है और हम लोग जो गरबा घूमते हैं रात को, तो आप देखिए जो लोग साल में कभी आधा किलोमीटर भी चलने नहीं जाते पूरी रात गरबा लेते रहते हैं, वो शक्ति आ जाती है माता रानी की। तो इस बार जोर से गरबा खेलो, धूम से गरबा खेलो और माता रानी से विनती करेंगे हमारा भारत देश और भी आगे बढ़े। हम सब भारतीय हम पहले से एक है और माता रानी की कृपा से मिल के रहेंगे और धमाल करेंगे और दसरा के दिन हम लोग इसका सेलिब्रेशन करेंगे। दशहरा में हम लोग रावण जलाते हैं बोलते हैं, लेकिन हमारे राम भगवान भी उतना ही याद किए जाते हैं क्योंकि राम का महिमा है तभी रावण जलाया जाता है। तो नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसा लगा आपको फिल्म का ट्रेलर नोटिस और क्या करना चाहेंगे, जो प्रयास किया मनोज जी ने इस फिल्म को लेकर? पहले तो मैं मनोज जी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी, इनकी तारीफ में दो शब्द। एक नहीं नहीं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं इनको रिलेट करना चाहूंगी। एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी के पास कुछ लोग आए और उन्होंने पूछा कि व्हाई यू डूइंग नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर गर्ल्स। तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि व्हाट यू वांट टू डू, देन ही सेड ओके टुमारो आई विल कम विद 4-5 पीपल, विल सिट, विल टॉक एंड विल डिस्कस दैट व्हाट वी कैन डू गुड फॉर वुमेन। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि डोंट डू एनीथिंग, जस्ट एजुकेट देम एंड लीव देम टू टेक देयर ओन डिसीजन। तो वही ये हमारे लिए लाइक वी ऑल एक्टर्स, ही इज अ स्वामी विवेकानंद फॉर अस। सो इज आई हैव सीन ऑल द टाइम्स ही इज गिविंग चांस टू न्यू कमर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। और इनकी जो फिल्म थी बेटियों की बल्ले बल्ले, उसका मुझे टाइटल बहुत अच्छा लगा एंड रियली वेरी नाइस। और अभी जो मैंने ट्रेलर देखा ये भी बहुत अच्छा था, सबकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो बहुत अच्छा था, अप्रिशिएटल। आप पूछ सकते हैं आपको क्या पूछना है। मैम क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है जिस तरह का सोच, जिस तरह का विजन रखते हैं फिल्म के प्रति मनोज जी, वैसा विजन रखना कितना जरूरी है प्रोड्यूसर के लिए या डायरेक्टर के लिए? बहुत ज़रूरी है, एक रियलिटी को ये हमेशा दिखाते हैं और इनके फिल्म में एक मैसेज होता है। नहीं वो मैंने सर वो सर बताएंगे कल, जैसे कि मुझे भी जैसा मैडम ने कहा। नहीं सॉरी, एक स्टेटर जी है वो रोल अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं, वो आपको 200 रुपीज जब आप लगाएंगे तो ही आप देख पाएंगे। और जैसे सर ने मुझे कल रात में नोटिस दिया कि आपको आना होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने मुझे बुलाया और एक इसका जरिया का हिस्सा समझा मुझे, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। एनीवे आई एम थैंकफुल टू नेक्स्ट टू मी द जेंटलमैन सिटिंग मिस्टर सिद्धार्थ, ही इज MD जैनकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज और हमारी इस फिल्म के प्रेजेंटर भी है और उन्होंने काफ़ी जैनकेम ग्रुप आपसे आगे एसोसिएट होगा। और ही इज कार्ती, ही इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी, आपने देखा होगा ट्रेलर में एक अच्छा रोल कार्तिक भी निभा रहा है। और बाजू में हमारे शंकर पांडे साहब बैठे जिन्होंने एडिटिंग और DI की है फिल्म की, हमारे DOP ज्योत सिंह पपला साहब आज नहीं पाए आ पाए और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।